तमाम। माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारती जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। आज मैं इस सदन में 2024-25 डिमांड फॉर ग्रांट के लिए अपना बात रखने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को अपने हर कदम पर अपनाया है। 2024-25 में जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, वे देश के हर वर्ग के उत्थान और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह अनुमोदन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों के सुधार में नए आयाम को प्रस्तुत करता है। महोदय, जितने भी महान जवान हुए हैं, जितने भी मेहनती किसान हुए हैं, सभी अपने क्षेत्रों में शिक्षा से ही धनवान हुए हैं। जब पूरे आज़ाद गगन में खुशियों के अपार चमन में शिक्षा का परचम लहराएगा, भारत शिक्षित कहलाएगा, भारत शिक्षित कहलाएगा। आज मैं सदन में अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी के लिए शिक्षा मंत्रालय से अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए खड़ी हुई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी कुछ मांगे हैं ताकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी का शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान हो सके, जैसे कि नए स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना की जाए। बालाघाट सिवनी के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नए विद्यालयों की स्थापना की जाए। तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रौद्योगिक संस्थाओं की स्थापना की जाए, जिससे हमारे युवाओं को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। अध्यक्ष जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। नए शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। नवीनतम शिक्षण तकनीकियों और पद्धतियों के पर शिक्षकों की प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे शिक्षक उच्चतम मानकों के अनुरूप शिक्षण कर सकें। स्कूल भवनों का निर्माण, मरम्मत के लिए अनुदान, ताकि स्कूल भवनों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण, ताकि छात्रों को सुरक्षित और सुसज्जित वातावरण में शिक्षा मिल सके। सिवनी बालाघाट के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए अनुमोदन तथा इलिंगिंग डिजिटल शिक्षा सामग्री, टेबलेट और इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। विद्यार्थियों को रोजगारमूलक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना की जाए। अध्यक्ष जी, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षण का पाठ्यक्रम का समावेश किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुमोदन के माध्यम से मैं सिवनी बालाघाट शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो सके और वहाँ के बच्चों को उच्च भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। सिवनी बालाघाट के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सके, इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ सके, ऐसा मेरा मानना है। बीते 10 वर्षों में मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा को नई ऊर्जा मिली है, नई दिशा मिली है। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर के नामांकन दरों में वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों की यदि अगर हम बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 2014 से 22 के बीच प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में 96% से बढ़कर 98% हुई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी सरकार को। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित हुई है। इस नीति के उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। इसके तहत ग्रास एवरेलमेंट को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो 2019-20 में 27.1% था। दीक्षा एवं स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षा को घर घर पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। स्वयं पोर्टल के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्सेज में नामांकन हुआ है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है।
अब तक 10,000 से अधिक स्कूलों में लैब्स स्थापित किए जा चुके हैं, जहां विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण मिलता है। बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने रोजगार, शिक्षा, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए वित्त मंत्री द्वारा आंकड़े बजट 2024-25 में प्रस्तुत किए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब हो रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं प्रगतिशील आंकड़ों में मैं बालाघाट सिवनी के आंकड़ों में अपेक्षा करती हूं कि बालाघाट सिवनी भी इसमें शामिल हो, ऐसी कामना करती हूं। इन अनुमोदन के माध्यम से हम बालाघाट सिवनी को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सके और वहां रहे बच्चों के उज्जवल भविष्य को दिशा उज्जवल भविष्य को उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकें, ऐसे मैं अपेक्षा करती हूं। हम बालाघाट सिवनी के नागरिकों के जीवन स्तर के लिए सुधार ला सकें, इस क्षेत्र को जो विकास को मुख्य धारा में शामिल कर सकें, यही मेरा संकल्प रहेगा। अंत में मैं यह बात करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।